अबे मुझे वो किसी भी सूरत में चाहिए, किसी भी सूरत में। तू जानता है बहन बाजी ने जो भी कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया है। हाँ बस वो मुझे चाहिए बहन बाजी। हाँ अबे तुझसे जो मैं कह रही हूँ तू वो कर, अगर तूने मेरा काम नहीं किया ना तो मैं तुझे तेरे घर से उठवा लूंगी। हाँ अबे चल रख फोन, वरना फोन में घुस के तुझे मारूंगी मैं। चल रख। बहन बाजी आपने बुलाया? अबे अल्फू तू यहाँ में रंग रंगलिया बनाने में मसरूफ हो गया है। हाँ और तू अपना असल काम भूल गया है। बहन बाजी उस्ताद की कसम अल्फू मर जाएगा लेकिन अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करेगा। आप बोलो क्या काम है बहन बाजी? अबे वो नहीं जावेद डीलर जो है वो प्रॉपर्टी वाला, उसको कितने वक्त में तू मेरे सामने ला सकता है? चुटकी में तो बहन बाजी नहीं ला सकूंगा, नामुमकिन है। मतलब तो अबे चुटकी बजाई क्यों थी फिर? वो तो इसलिए बहन बाजी की तुम्हें बता सकूं कि मैं चुटकी भी बजा लेता हूँ। अबे अल्फू तू मेरे दिमाग की दही मत कर, ये बता कि तू उस जावेद को कितने दिनों में लाएगा मेरे सामने? बहन बाजी पहले तो मुझे चाहिए 7 दिनों की लीव। किस लिए? बहन बाजी मैं 7 दिन जो है ना जाऊंगा, रेस्ट करूंगा, फुल फिल्में वगैरह देखूंगा, ठीक है, यहाँ सैर सपाटे करूंगा, उसके बाद वापसी आके ना 7 दिनों में जावेद तुम्हारे कदमों में हाजिर। अच्छा और इन सब का खर्चा कौन करेगा? वो तो तुम दोगी ना बहन बाजी। अबे चल भाग यहाँ से। बहन बाजी मेरी बात तो सुनो। अबे चल निकल। लेकिन बहन बाजी बात तो सुनो। मुझे तेरी बात ही सुननी अल्फू, अगर तू 1 मिनट भी और यहाँ खड़ा रहा मैं तुझे मारूंगा एक रखे। तू जा यहाँ से, फजूल बातें करता है मुझसे। चाओ जा यहाँ से। वो सबके सब ड्रामेबाज है इस घर में। अबे जावेद तुझे तो मैं कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूंगी। अबे बस एक एक सिरा मेरे हाथ लग जाए ना तुझे खुद ही खींच लूंगी मैं यहाँ पे। फिर तू देख मैं करती क्या। पता नहीं कहाँ मर गया। जानू आ गया। मेरे को तो लगा भारी सो गए हो। क्या हो गया जानू? नाश्ते से हाथ क्यों खींच गया? इतना बुरा बना दिल करा खींच के तुम्हारे मुंह पे मारूं। वो असल में निशु ने मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया तो मैंने खुद बनाया। नवाब तुम्हारी ना खुद को इज्जत है ना मेरे को दिलवा रहे हो। मैं तो करता हूँ ना इज्जत। छोड़ो। अच्छा मैं जा रही हूँ त्यौहार होने। कहीं जा रही हो? अरे हमारी नई नई शादी हुई है, घूमने नहीं जाएंगी क्या? अजीब आदमी हो। नई शादी किधर? कई दिन हो गए निकाह को। अरे भाई निकाह को जितना भी टाइम हुआ हो लेकिन दुल्हन तभी कहलाती है जब उसकी रुखसती होती है। अच्छा हाँ। इतनी उदास क्यों हो गए? पैसे नहीं है ना। तुम तो सदा के कुंगली रहना। अच्छा मैं 500 रुपए दे देती हूँ। हाँ फिर सही है, जाते हैं घूमने के लिए। बहुत बेशरम हो तुम नवाब। तुझसे क्या शर्माना। अच्छा मैं जा रही हूँ तैयार होने। अब मैं भी जाऊंगा। नहीं तुम अभी नहीं, तुम बाद में हो जाना। पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। क्या? हाँ कपड़े इस्त्री कर दो जल्दी से, मैं तैयार हूँ। नवाब कपड़े इस्त्री करेगा? अब प्यार किया तो ही तो करना पड़ेगा, क्या हो गया? यार अल्फू घर में बैठे बैठे ना कसम से बोर हो गया हूँ मैं। हाँ यार एक काम करो मुन्ना भाई, तुम ना रिक्शा चला लो। हमेशा छोटा ही सोचना तू, अब कुछ बड़ा सोच। तू भी ट्रेन चला लो। तुझसे तो बात करने ही फजूल है, चुप रहा कर यार तू। मैं चुप हो जाऊंगा तो भी तुम्हारी बोरियत कैसे दूर होगी मुन्ना भाई? अल्फू यार बहुत बकाया यार तू कसम से। हाँ मैं शेव था ना पिछले जन्म में। अच्छा चलो बताओ क्या करना है। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या करना है, बोरियत भगा यार, कुछ कुछ सोच यार। हाँ यार बोर तो मैं भी बहुत होता रहता हूँ मुन्ना भाई। एक काम करते हैं अपन ना इलाके के अंदर फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं। हाँ क्या? हाँ हाँ अपन ना एंट्री फीस रखेंगे 2000 रुपए, ठीक है? अभी 2000 को 20 से जरब दो। 40,000। 40,000 लेकर ना भाई भाई भाग जाएंगे नाराम का काम। अबे पागल हो गया क्या, महल्ले वाले छोड़ेंगे नहीं हमें, बहुत बदनामी होगी। हाँ वैसे तो आजकल तुम हाजी अब्दुल कुद्दूस के नाम से मशहूर हो ना। यार 2 दिन जेल क्या रह गया, आ गया कसम से लोग थुदू कर रहे हैं। सुनिए भाई ये बताओ कि जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया उसको तुम ऐसे ही छोड़ दो? अब पागल हो गया क्या, सुंदस लेगी ना बदला। बेन बाजी हाँ तो तुम क्या करोगे? देखूंगा कि बेन बाजी बदला ले रही है। अबे नहीं यार जावेद का अंजाम। खुदा की कसम नेस्ती पने में ना तुम सबसे आगे हो। हाँ सब कुछ अगर बेनबाजी करेगी तो तुम क्या करोगे? हाँ तुम ना जाकर सो जाओ, मैं तुमको उठा लूंगा जब जावेद पकड़ा जाएगा। चल ठीक है ये जिम्मेदारी दे रही है अब।
कि मैं तुमको उठा लूं जब जावेद पकड़ा जाए। अरे मेरी बोरियत दूर करने की। अबे तुमने मुझे क्या समझ के रखा है, मैं क्या तुम्हें एंजॉयमेंट कराने के लिए अभी डांस करूं क्या? अबे हाँ यार, तू ऐसा कर, तू डांस कर ले, शायद उसी से पैसे जमा हो जाए, टूर्नामेंट करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ मैं ना डांस करते करते जा रहा हूँ घर, दिमाग खराब कर रहे हो तुम मेरा। अच्छा करता है यार, रुक मैं भी आ रहा हूँ। अरे हाँ बाबा दे रही हूँ, रुक जाओ, तुम भी ना बहुत बेसब्र हो। दादी 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 ये जरा बात करे ना। किससे बात करूं? अरे अज्जू का फोन है, वो आपसे बात करना चाहता है। अरे बेटा मैं अज्जू से क्या बात करूंगी? दादी मुझे क्या पता, आप बात कर लेना। चलो। हाँ बेटा। वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। ओ दादी मैंने ना आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। अरे बेटा मेरा किस बात का शुक्रिया? दादी वो ना आपने वैसे हमारी काफी मदद की है। अरे बेटा मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की है? मैंने शहनाज की हेल्प की है। दादी एक ही बात है ना। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हारे अम्मी अब्बू आज आ रहे हैं ना? जी दादी। अच्छा तुम्हारे अब्बा को क्या दादी? अच्छा अरे चलो कुछ नहीं, बस बड़ों की बात बड़ों से करनी चाहिए ना। अच्छा ये लो शहनाज से बात करो। हाँ जू ठीक है शहनाज, मेरे को भी ऑफिस जाना है, बस वापसी में मुन्ना से भी मिलना है। हाँ ठीक है चलो बाद में बात होती है। सही है ओके बाय बाय शहनाज। अम्मा टिफिन तैयार कर दो। अम्मा। हाँ बेटा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा सुने बाबा। हाँ बेटा। मुझे फ्रेंड के यहाँ जाना है, मुझे ड्रॉप कर देंगे जाते हुए? हाँ चलो मेरे साथ चलो तुम। मुझे बस दो मिनट दे, मैं यूं गई और यूं आई। ठीक है। अरे भाई सुनो तो सही। हाँ। तुम लोग सब जा रहे हो, आज अज्जू के अम्मा अब्बा आ रहे हैं तुम लोगों से मिलने। हाँ तो छोटा सा काम है बस करके मैं अभी आया वापस। अच्छा चलो ठीक है, वक्त पे आ जाना, आने दो ना उसको। हाँ ठीक है आ जाएगी। सब घोड़े पे सवार रहते हैं हर वक्त। बतुल की आंख में एक नशा है। अल्लाह भाई नवाब, आज सूरज कहाँ से निकला है? माचिस की डिब्बिया, शोर को कोई फर्क नहीं पड़ता सूरज कहाँ से निकले। शर्म तो नहीं आ रही होगी सारे काम करते हुए? क्यों मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया गलत बता। तोबा अपनी बीवी के कपड़े तय कर रहा है। तो अपनी बीवी के तय कर रहा हूँ ना, किसी और की बीवी के तय तो नहीं कर रहा ना। अम्मा को पता चल गया तो? कि मैं बीवी के कपड़े तय कर रहा था। कि तू बतूल को ले आया घर पे निकाह करके। तो क्या हुआ, बच्चा नहीं हूँ मैं? बचेगा तो तू नहीं भाई नवाब, आने दे अम्मा को ठंडो आदम से। आने दे, खुद बताऊंगा बतूल के बारे में, देख लेना। कितनी बड़ी जबान हो गई है बतूल के आते ही, इतनी बड़ी जबान हो गई, पहले ऐसी जबान नहीं थी तेरी। पहले से ऐसी जबान है ये, देख कोई लंबी नहीं हुई। मेरे को तो लग रहा है बतूल की मिक्स हो गई है इसमें। अबे चल माचिस की डिब्बिया, कपड़े तय कर रहा हूँ। नवाब कहाँ पर गए हो? हाँ जानू तय हो गए, लेके आ रहा हूँ। जाइए जोरू के गुलाम जाइए। माचिस की डिब्बिया मैं जोरू का गुलाम अच्छा हूँ। मेरी अम्मा का तो रुमाल दे नहीं क्या कभी? सही कर रही है बतूल, मैं भी ऐसे ही करूंगी सिराज के साथ। अच्छा कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। अरे बाबा क्या हुआ बेटा, क्यों ये देर कर दी तुमने? कुछ नहीं बस थोड़ा सा तैयार हो रही थी, आपको पता है ना। अच्छा शना मैं एक बात कहूँ, गलत मत समझना मुझे। क्या हुआ बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो भाई तुम इस रिश्ते से मुतमईन हो? बाबा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दो ना बेटा। ऑफ कोर्स मैं मुतमईन हूँ, तभी तो आपसे और दादी से मिलवा रही हूँ अज्जू को। देखो ये एक दो दिन का मसला नहीं है, पूरी जिंदगी का साथ होता है निभाने के लिए। आई नो बाबा, जो आसाइशें तुम्हें यहाँ मिल रही ना मेरे घर में, वो वहाँ नहीं मिलेंगी, बता रहा हूँ तुझे मैं। अरे बाबा आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं और अज्जू मिलके सारी आसाइशें पैदा कर लेंगे हमारे लिए। इतना भरोसा खुद पर? मुझे तो अज्जू पर भी इतना ही भरोसा है बाबा। अच्छा लगा मुझे, खुशी हुई। लेकिन देखो ना मैं बाप हूँ ना, इसलिए मैं कुछ कहूंगा तो बड़ा सोचने की। बाबा आप क्यों इतना सोच रहे हैं, आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं। मैं सब मैनेज कर लूंगी, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ। अब चले ना, लेट हो रहा है, मेरी फ्रेंड वेट करेगी, मुझे ड्रॉप कर देंगे। चले ठीक है। चले अच्छा ऐसा करना, वहाँ से फिर जल्दी घर वापस चली जाना, दादी तुम्हारी जो है ना अकेली है। हैं जी 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 बाबा, बस मैं पहुँच जाऊंगी टाइम से। बाजी फिर क्या हुआ चाहिएगा? अरे शेर मर गया नुसरत। मर गया? तेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है? नहीं नहीं निठू बाजी, मुझे ना वो तहफत हुआ था। अरे तेरे ऊपर सोतन आ गई है। हे ऊपर तो कोई मकान ही नहीं बना निठू बाजी। कैसे गुस्सा दिलाऊं मैं तुझे? मेरी गुड़िया तैयार हो गई। देख मुझे तेरे अंकल है ना,
बतूल उनकी बीवी है, बीवी। अरे निचो बाजी, मुझे पता है वो बीवी है, बीवी है, और वो मेरी भी बीवी है। क्या? हाँ, वो जैसे अंकल है मेरे, वैसे वो मेरी बीवी। तू ना, तू पूरी की पूरी बावली हो गई है। हाँ, और तुम तो आधी भी नहीं हो। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, शुक्र अदा किया करो अल्लाह का। आप बतूल, आप मैं कैसी लग रही हूँ? चुड़ैल लग रही कसम से। नहीं नहीं निठो बाजी, ये तो ना आंटी बीवी लग रही है। देखो सीखो कुछ उससे, इस पागल ने तक मेरे को कबूल कर लिया, लेकिन तुम नहीं मानोगी। मेरे मुंह मत लग बतूल तू, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। चलो नवाब, हम जरा सीवी पे घूमने जा रहे, शाम तक आएंगे। मैं भी चलो। अम्मा को आने दे, ये सब घुमाएगी ना, बहुत मजा आएगा। मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा, तेरे अंकल तेरे जोरू के गुलाम बन जाएंगे। अरे तो इसमें क्या हुआ? अल्लाह नुसरत, में तेरे को कैसे समझाऊं कि गुद्दा हो गया या गुड़िया? गुड्डा भी नहीं होगा, गुड़िया भी नहीं होगी। अम्मा आएगी तो बम फटेगा घर में, बम। हे, बम फटेगा? बम फटेगा, बोला हो जाएगा। हाँ अम्मा आएंगी, बम फटेगा। अरे नीचो बाजी, कैसे बाल बना दे, गंजी हो गई वो। मैं खुद बना लूंगी, वो तो बाल भी नहीं बनाने आते। अरे इकराम, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? कब से कह रही हूँ सामान लेके आओ। अरे नफीसा, हम पहले भी तो इतना बहुत कुछ लेकर गए थे वहाँ। फिर तो क्या हो गया, अब क्या इस बार खाली आ जाए? दरअसल मुझे सादत अली पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कभी कहता है सोच कर बताऊंगा, और कभी कहता है कि आ जाओ। इस मरतबा भी अगर उसने कुछ ऐसा कहा ना, तो फिर देखो इकराम, हमें अपने अज्जू की खुशी के खातिर तो ये सब करना पड़ेगा ना। तो क्या हम बार बार अपनी बेइज्जती कराएं? इसका मतलब है तुम नहीं चल रहे? अरे हाँ चल रहा हूँ, मगर इस मरतबा अगर उसने कोई ऐसी बात की ना, मैं उठ के वापस आ जाऊंगा। देखो इकराम, अगर तुम पहले से ही ये सब सोच के बैठे हो ना, तो बेहतर है मत जाओ, मैं अकेली चली जाती हूँ। क्या अकेली चली जाएगी? हाँ, मैंने रास्ता देखा हुआ है। और अगर उसने मेरा पूछा तो क्या कहोगी? कह दूंगी कि उनको यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं आए। मेरी बेइज्जती कराना चाहती है? तो इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात हो गई? तुम्हें ऐसा लग रहा है तो चले चलो। अच्छा भाई चलता हूँ, केक ले आता हूँ। हाँ भाई जाओ, फल भी लेते आना साथ में। हाँ हाँ ले आऊंगा, और जल्दी आना, तैयार भी होना है। ओहो आता हूँ भाई। जब सीधी उंगली घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मिजाज ही नहीं मिलते इनके तो। निशो। हाँ बाजी बोल। इतनी चुप चुप क्यों है तू? अरे मैं तो वही सोच रही हूँ, बतूल और नवाब के बारे में। उफ अल्लाह छोड़ दे, किसके बारे में सोच रही है तू भी? अरे अल्लाह बाजी, तुम कह रही हो छोड़ दे। तोड़नी तो क्या, अब तो जो होना था वो हो गया, अब उस पे कॉम्प्रोमाइज ही करना है हमने। अरे पहले तो तुम वो क्या कह रही थी कि बतूल को घर से निकाल देते, ऐसे करते वैसे करते, अब अचानक इतनी चील कैसे हो गई? हाँ लो भाई, चील होने की क्या बात है, तू और मैं कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? देख तेरे को ना यहाँ अकेले रहना होता है, ना अम्मा होती है ना मैं, बस तू खुश रह कर, कुछ ही महीने तो रह गए, तेरी शादी फिर चली जाएगी। हाँ वैसे कोई हल नहीं है ना इनका, नवाब और बतूल का। मैंने तो अपनी सास को भी नहीं बताया भाई, मैंने कहा मेरी सास को पता चल गया ना, मेरे को ताने दे दे के मार देगी वो चुड़ैल। अच्छा क्या आगे डेंस ही है वो तो। सुन अम्मा से बात होती है तेरी? अम्मा से तो रोज बात होती है, पर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने तो कुछ नहीं बताया भाई बतूल और नवाब के बारे में। अम्मा मेरे से बात नहीं करती ना, अम्मा मेरे से नाराज है। आई तो अम्मा कॉल नहीं करती तो क्या हुआ, तेरे पास बैलेंस नहीं है क्या? तू अम्मा को कॉल कर लिया कर। नहीं भाई मैं नहीं फोन करी, अम्मा मेरे को ना बहुत डांटेगी, बहुत जलील करेगी कि तू बहन की मंगनी पे नहीं आई। अरे अल्लाह बाजी, तो तू कोई बहाना बना लियो। हाँ तुम ना कह देना कि जो तेरी दाई जैसी सास है ना, उसको हार्ट अटैक हो गया था, वो आईसीयू में पड़ी हुई थी। अरे नहीं दे, अम्मा ने कभी यकीन नहीं करना, बुरी चीजों को इतनी जल्दी हार्ट अटैक नहीं आते। हाँ ये भी तो ठीक कह रही, वैसे मैं ना अम्मा को बताती रहती हूँ कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती है, चक्कर भी लगाती रहती है। सुन मैं जा रही हूँ, मेरी सास है ना चुड़ैल इंतजार कर रही होगी मेरा, रोटी थोड़ी हजम होती मेरी शक्ल देखे बगैर उसकी। हाँ बाजी सही कह रही है तू, फिर चक्कर जरूर लगाई। हाँ 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 पक्का आऊंगी, जब तक तू एंजॉय कर अपनी भाभियों के साथ। दोनों चुड़ैले। हाँ नहीं तो टकर गई है हमें। चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा सुन रस, मैं चलती हूँ, दादी इंतजार कर रही है। अबे दादी के सारे बहाने हैं, असल में तुझे ना वो अज्जू के घर वालों का इंतजार है। ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। अच्छा सुन, जब सब कुछ डन वन हो जाए ना, तो सबसे पहले तू मुझे फोन करके बताएगी। हाँ बाबा पक्का, सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। बस मैं चलूं? हाँ ठीक। हाँ अबे शिनाज़ मुझे पता है, मैं बाद में कॉल करता। अज्जू शिनाज़,
अबे तू यहाँ पे, अबे क्या हीरो की तरह एंट्री मार रहा है घर में? नहीं 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 सुन मैं मुन्ना से मिलने आया हूँ मैं तो। अबे तुम आशिक हो गए ना, सारे बहाने जानती हूँ मैं। सुंदस, अबे क्या तुझे पहले से पता था शहनाज मुझसे मिलने के लिए आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैंने तो शहनाज को बताया था कि भाई मैं मुन्ना से मिलने जाऊंगा, है ना शहनाज? अरे मुझे कब बताया तुमने? फोन पे बताया था ना तुमको? मुझे याद नहीं है। क्या क्या हो गया तुम दोनों को? अभी से एक दूसरे पे इतने इल्जाम लगा रहे हो, शादी के बाद क्या टकरे मारोगे एक दूसरे को? नहीं नहीं सुंदर, अब छोड़ इन बातों को। अभी तू आ गया ना इस बहाने तुम दोनों की मुलाकात हो गई है, अब तेरा फर्ज बनता है कि तू शहनाज को उसके घर छोड़ेगा। नहीं 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 सुंदर, मैं खुद चली जाऊंगी, इसकी क्या जरूरत है? नहीं अबे क्यों नखरे दिखा रही है? सुंदर ये मुन्ना से मिलने आए, मुन्ना से मिले मैं चली जाऊंगी खुद। वो मुन्ना का कौन सा कोई वीजा लग गया कि वो चला जाएगा यहाँ से? ये एक दो दिन बाद मिल लेगा मुन्ना से। है अज्जू तू छोड़ेगा शहनाज को घर? हाँ हाँ चलें शहनाज। सुंदर अबे जा ना, क्या मेरी शक्ल देख रही है? अज्जू अपना ही बंदा है, जा उठा अपना बैग और निकल। चल तू जबरदस्ती करती है तो मैं चली जाऊँ। अबे अजीब पागल है दोनों, धक्के देके घर से निकालना पड़ता है। अरे कौन है अम्मा? सब नहीं कहाँ रहे कि सब लोग? अरे आ रही हूँ आ रही हूँ, पता नहीं कौन है घोड़े पे सवार होके आया है, रुक जा एक सेकंड। अम्मा चोर चोर चोर, मैं हूँ इखलाक। अरे इखलाक तू कहाँ था? सब छोड़िए बता घर पर कौन कौन है? अबे सभी होंगे, चल कमरे में चल। क्या हुआ है तुझे इतना घबराया हुआ? क्यों आहिस्ता बात कर, सांस तो लेने दे, सभी यही बता दूं क्या? अरे तू सांस लिए बगैर खड़ा है, कमाल कर दिया तूने। क्यों बकवास कर रही है? मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, किसी ने देख लिया तो पुलिस को बता देगा। अच्छा चल ठीक है, आजा आजा। किधर इधर इधर। हां हां चल। तो बाय बाजी, तुम्हारी तो ना वो ट्रेन ही छूटती रहती है, कभी सुकून से भी आ जाया करो, मैं कुछ खिलाऊं पिलाऊं अपनी शमीम बाजी को। अरे रहने दे, ये बता इतना सन्नाटा क्यों है? बाकी सारे काम अरे में। अरे नवाब भाई और बतूल तो सोए पड़े में, और वो बावी नुसरत उसका क्या आता पता, कभी भी उठती है कभी बैठती है, टपक पड़ती कहीं से भी। सुन तूने उस बतूल को काम करने का बोला? अरे अभी दिन नहीं आया उस नई नवेली दुल्हन के काम करने के, नवाब भाई के तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे भाई, मेरी दुल्हन के साथ ऐसे करो ऐसे करो, खुद जाके खाना गर्म करते हैं, उसके कपड़े धोते हैं, उसके कपड़े इससे करते हैं। तोबा तोबा, इतनी खिदमत अम्मा की होती ना तो कहीं पहुंचे हुए होते अम्मा की दुआएं लेके। तोबा तोबा तोबा, इस नवाब से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, निकम्मा कहीं का, पूरे महल्ले में नाक कटा दी हमारी। लेके भी किसको आया बतूल को, नाक में दम, नई नवेली दुल्हन मैडम के नखरे ही नहीं खत्म हो रहे, नवाब भी तो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। ए सुन मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, अम्मा को जब पता चलेगा तो क्या बम फटेगा अम्मा पे। अल्लाह मैं भी यही सोचती हूँ बाजी, अम्मा को बहुत समझाया था मैंने, अम्मा कितना औरती नहीं है बात समझ में, बेचारी नुसरत को ब्याह के लेकर आ गई, सर पे बिठा दिया हमारे। नुसरत कुछ बोलती तो नहीं है? आई नुसरत बावली क्या बोलेगी, बस उसको आंटी आंटी करती रहती है और भाई को अंकल अंकल करती रहती है। अल्लाह ये सही लड़ी है हमें। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी सासू माँ इंतजार कर रही होंगी, तू अपना ख्याल रखी है, उस बतूल से काम कराया कर। दिल तो जा रहा दोनों को पकड़ के ना मैं निकाल दूँ घर से बाहर। रहने दे अम्मा के खुद ही ये काम कर लेगी, तू सबर कर। ठीक है ठीक है बाजी, चल अपना ख्याल रखी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इकबाल। यस सर। भाई वो मुझे ये बताएं कि जावेद का कुछ पता चला भाई? नहीं सर, हम लोग सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा, असल में लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा सर, लोग बहुत कंफ्यूज हैं सर। हाँ ऐसा भी है कि बगैर देखे चेहरे अब उसको ढूंढना जरा मुश्किल ही लगता है। अच्छा उसके साथ एक साथी हुआ करता था, उसका इखलाक, इखलाक था ना? जी जी सर। उसका पता चला? सर उसके लिए हम लोग दिन रात छापे मार रहे हैं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा सर। अच्छा तुम एक काम करो यार, उस रोज जो लड़की आई थी अपने शोहर की जमानत कराने के लिए तो उसके शोहर का नाम क्या था? सर वो मुन्ना। मुन्ना मुन्ना मुन्ना, हाँ मुन्ना। तुम ऐसा करो कि मुन्ना को बुलाओ और उसे कहो कि जावेद के स्केच बनाने में मदद करे हमारी। यस सर। ठीक है ओके सर। अच्छा मैं निकलूंगा घर के लिए, पीछे से अगर कोई काम हो तो मुझे फोन पे बता देना। जी सर। ठीक है ना। हाँ अम्मा मैं आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, फौरन पहुंच रहा हूँ, फिक्र मत करो। हाँ ओके इकबाल।
ओके सर। ये शायद तूने शमीम आरा को कैसे शीशे में उतार लिया। अम्मा शायद हीरा ऐसे ही बोलते मेरे को। अम्मा तुम भी तो ऐसे बदली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे हाँ भाई, कभी कभी ना अपने मकसद के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अगर जरा सा भी शमीमारा को शक हो जाता ना तो नुसरत का यहाँ आना पक्का था। मैंने शमीमारा को शबाना के बारे में बताने वाला था, उससे पहले उसने मुझसे माफी मांग ली। अच्छा वो तो ठीक है, पर इस पे भरोसा मत करना, क्या पता कुछ चाल चल रही हो। वेने तो अम्मा ऐसी भी नहीं है अब शमीमारा। अरे वो पूरी गुन्नी है, हर बात को समझती है। तुम बच के रहना, उसे कोशिश करना कि उसके सामने फोन ही ना सुनो। अम्मा तुम भी ना बस। अरे चाय आ गई तुम? क्या हुआ, गलत वक्त पे आ गई क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्यों चाय? हाँ ना, और नहीं तो क्या। अच्छा क्या बातें? मैं कह रही थी कि जब से शादी हुई है तुम लोग कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए हो। हाँ और नहीं तो क्या, फैक्ट्री से बोनस मिलेगा ना तो फिर हम मरी घूमने जाएंगे वहाँ पे, बर्फ वाले गोले के साथ में झेलेंगे एक दूसरे के साथ। नहीं नहीं, उन पैसे तो घर के बहुत काम कराने, वो पैसे हम घर पे खर्च करेंगे। हाँ ये तो और भी अच्छी बात है, क्यों अम्मा? हाँ भाई, तुम लोगों का घर है, तुम लोग जो चाहे करो, तुम लोगों की मर्जी। नहीं नहीं, इस घर की बड़ी तो आप ही हो ना अम्मा। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। तू सच बोल रहा है इखलाक कि तूने कुछ नहीं किया? सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा लगता हूँ तुझे? लगने से कुछ नहीं होता। अब मेरी बात सुन, अब तू यहाँ से भागा क्यों? तुझे पता है कितने परेशान हो गई थी मैं? सब कुछ जावेद ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो पुलिस तेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? अबे वो जावेद ने जिस पार्टी को चूना लगाया ना वो मुझे ढूंढ रही है। तो तू ऐसा कर, अखिला पुलिस को सारा सच सच बता दे। अबे पुलिस को नहीं बता सकता मैं, वो नहीं मानेगी, उल्टा मार मार के वो भी कबूलवा लेगी मुझसे जो मैंने नहीं किया। तो फिर ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? एक हल है उसका, अगर मैं पार्टी को उसके पैसे वापस कर दूं ना मेरी जान छोड़ देंगे वो। तो तू तो कर दे पैसे वापस। पैसे कहाँ है मेरे पास? तो कहाँ से आएंगे पैसे? वो मैं सोच रहा था कि वो जो घर नहीं है जो तेरे नाम पे, अगर हम उसको भेज दें तो। बकवास बंद कर तू अपनी, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। देख दरीना बात को समझने की कोशिश कर, वही एक तरीका है मेरे पास, वही एक प्रॉपर्टी पड़ी है, इसको मैं बेच के पैसे वापस कर सकता हूँ, जान छुड़ा सकता हूँ अपनी। ये क्या बात हुई अखलाक की, हम लोग अपना घर बेच दें तो रहेंगे कहाँ? अभी है ना घर। नहीं नहीं, अम्मा के घर नहीं रहेंगे हम लोग। तो ठीक है, मैं पुलिस को गिरफ्तारी दे देता हूँ अपनी, 10-15 साल की जेल हो जाएगी, मुझे अपने होने वाले बच्चे को भी नहीं देख पाऊंगा मैं। ऐसा क्यों कह रहा है तू? और कैसा कहूँ, ला अपना फोन दे, मैं पुलिस को फोन करके गिरफ्तारी दूं, जाके ला फोन दे। नहीं नहीं ठीक है, तू मेरे से घर। तो रो क्यों रही है, इधर बैठ, देख मेरी बात सुन, मैं सलामत रहूंगा तो मैं मेहनत करके तुझे नया घर बना दूंगा ना, अभी तो जान छुड़वाने थे। और ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई कि मेहनत में अजमत है, ये शॉर्टकट में से जलालत होती है, समझा कर। पर एक लाख दूं हमारा घर। अब क्या करे, क्या तो घर बचा ले या मियां बचा ले, बता अभी भी जा सकता हूँ? नहीं ठीक है। पक्का? बाद में ना बोलियो मेरा घर चला गया। नहीं बोलूंगी। ठीक है, मैं सो जाऊँ, बहुत थका हूँ। सो जा। खाना नहीं है कुछ? नहीं। अबे क्या कर रहा है मुन्ना? गेम खेल रहा हूँ। अबे तुझे खेलना ही नहीं आया है? जीतना। अल्फू अभी तो क्यों चल रहा है इधर से उधर? पेनबाजी। अबे आगे भी बोल दे। पेनबाजी वो है ना सरीना के कमरे में। सांप? नहीं, आस्तीन का सांप। पेनबाजी वहाँ पर ना इखलाक आया हुआ है। इखलाक? अबे क्या बोल रहे? हाँ पेनबाजी, मैंने खुद देखा है अपनी इन दो गुनेगार आंखों से। झूठ बोल रहा है ये गुनेगार आंखों वाला। अबे अगर वहाँ पे इखलाक है ना, मैंने छोड़ना नहीं है उसे, मैं जा रही हूँ उसके पास। मुझे लगता है उसके पास ना असला होगा। हाँ तुमने अच्छा किया पिस्तौल रख लिया, पिस्तौल साथ लेके चलो तुम। मैंने वो कोई डाका डालने थोड़ी आया होगा भाई। अबे मैंने उसे छोड़ना नहीं है, हमारी इज्जतों पे तो बात आई है ना, मैं नहीं छोड़ना। चल चलो बहन बाजी। अबे शायद तेरा फोन आ रहा है। इसका फोन है, जरूरी ना हो उठा लेती हूँ। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हो गया शमी मारा? कुछ नहीं। शक कर रही हो तुम मेरे पे? पागल हो गया क्या? मैं क्यों शक करूंगी तेरे? ओ असलम भाई का फोन था, बात कर रहा हूँ तुम्हारी। क्या
वो जो लड़की नहीं थी जो मेरे को बोल रही थी नौकरी का, उसको उन्होंने नौकरी दे दी फैक्ट्री में। अच्छा हाँ, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, किसी को रोजगार मिल गया, क्या पता अल्लाह इसका हमें बहुत बड़ा सिला दे। हाँ ना, अल्लाह हमें बहुत बड़ा सिला दे रहा है। पहले तो कहीं जा रहा है? नहीं वैसे मैं तो बैठने के लिए। तो आना बैठना। ये थी आज बहुत थक गई, बहुत काम था फैक्ट्री में। खाना खाएगी तू? तो लाना, दोनों का आते हैं मिलकर। तू ले आना, अम्मा सो रही है ना, ले आ जान। यार मैं भी फैक्ट्री से काम कर। ना अच्छा शायद नहीं है मेरा, जा जान। तेरे लिए ठंडा ही ले आऊंगा मैं। ठीक है। ओ यार भूख लग रही है, कुछ खिला नहीं तो चाय पिला दे यार। इखलाक मैं छोड़ना नहीं है। चल जाएगी नहीं। अबे बीवी में पनाह लेने वाला तू सो, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं मैंने क्या किया है? अबे तूने क्या किया है? अरे अरे सुंदर रखते नीचे, गोली चल जाएगी। अबे चलेगी तो मुझे सुकून मिलेगा। मुझे क्यों गोली मार रही? मैंने क्या किया भाई? अबे तेरी वजह से मेरा मुन्ना दो दिन हवा लात में रहा, मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तू मरेगा मेरे हाथों। नहीं नहीं सुंदर जाने दो। अरे सुंदर तू ना 1,00,000 को माफ कर दे। ओ पेनबाजी जो बोलती है ना वो करती है। अबे तू चुप कर, दूसरी पिस्तौल लेके आता हूँ। अबे रुक, कहाँ जा रहे? यहीं खड़ा रहे। सुंदर तू 1,00,000 की बात तो सुन ले, जो सब कुछ हुआ है ना वो जावेद ने किया, 1,00,000 ने नहीं किया। हाँ एक बार तो सुन लो इसकी बात, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश सुनी जाती है। अबे बोल, चल सुन रही हूँ मैं, बोल। लगता है सादत भाई भूल गए। अरे नहीं नहीं, मेरी अभी उनसे बात हुई है, अब ट्रैफिक में फंस गया है जरा, बस आता ही होगा। अरे हाँ अम्मा जी, हमें भी कोई मसला नहीं है, है ना? क्यों? हाँ नफीसा वो मगर। अरे चुप रहो ना। अच्छा थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, वैसे बुलाया तो उन्होंने खुद ही था। हाँ बस आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा, मैं जरा लेट हो गया थोड़ा सा है। आप पुलिस में? हाँ क्यों, अर्जुन ने नहीं बताया आपको? जी नहीं, नहीं बताया। ये आप घबरा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा कैसे हैं भाई साहब आप? अल्लाह का एहसान है बहन जी, बस आजकल हालात कुछ खराब हैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं भाई साहब, ये सब कुछ तो होता रहता है। क्यों बात करो ना। हाँ वो कल अजू से मेरी बात हुई थी भाई, वो बड़ा फरमाबरदार बच्चा है माशाल्लाह है भाई, मैंने तरबियत ही अच्छी की है उसकी। भाई साहब आप अजू से मिल लिए और हम शहनाज से, हमें तो भाई आपकी शहनाज बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। भाई एक दूसरे को इतना पसंद है, आपने लड़की देख ली, हमने लड़का देख लिया, तो बस फिर बिस्मिल्लाह करें, बात आगे बढ़ाएं। माँ आगे क्या बढ़ाएं, बात तो आगे बढ़ चुकी है भाई, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। मुबारक हो आप भाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए मैं शहनाज को बुलाती हूँ, फिर मुंह मीठा करते हैं। शहनाज शहनाज बेटा मिठाई लेकर आ जाओ। सुंदर अब तो तुझे यकीन आ गया ना 1,00,000 पे? हाँ अब देखना उस जावेद को ना मैं कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा, देख उसका हशर क्या करती हो। मेरी तरफ से भी 2 लगा देना उसको। तू देख। हाँ मैं देखता हूँ। बेनबाजी जा तू। यार 1,00,000 भाई मैं माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से, वो सब कुछ उसने गुस्से में कह दिया। अबे बगैर तहकीक के करोगे तो यही सब कुछ होगा ना। हाँ लेकिन अब तो पता चल गया ना सब कुछ। चल कोई बात नहीं, मैंने माफ किया सुंदर। क्या अबे छोटी है ना, गलती हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं। 1,00,000 भाई आपका तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरा भी तो कमीशन मारा गया ना। अबे तुझे कमीशन की पड़ी हुई है? खैर छोड़ अब मैं आ गया ना, सब ठीक कर दूंगा। तूने मुझे कहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं लूंगा, तो अब तुझे फिर कह रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा? अबे मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, वो तो मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए कह रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आएगा ना। हाँ हाँ सही है, तू बड़े टाइम से पटरी से उतरा हुआ था ना, तो अब टाइम लगेगा पटरी पर आने के लिए। नहीं नहीं मैं बदल गया हूँ, अब और कुछ नहीं कर सकता, मैं बदल गया हूँ। हाँ जरीना 1,00,000 भाई ठीक कह रहे हैं, वैसे भी तब्दीली आराम आराम से आती है, एकदम से नहीं आती, इंतजार करो अब ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है। ये बड़ा तब्दीली का नारा लगा के गया भाई। अरे वैसे मुन्ना कितनी गहरी बात कर गया। पर छोड़ सारी बातों को, कुछ खाने को दे दे, जब से भागा हूँ ना पेट भर के खाना नहीं खाया मैंने। अच्छा हाँ। चल मैं लाती हूँ तेरे लिए खाना। हाँ। कुछ अच्छा सा बना के लाइयो। हाँ जो भी घर में पड़ा होगा ना बस ले आऊंगी। भूख लगी हुई है यार, कब से भाग रहे हूँ खुदा की कसम। अरे भगोड़े की जिंदगी में ना कुत्ते से कम नहीं होती ईमान से।
कुत्ते भी मेरे से ज्यादा खा रहे थे, मेरे को खाने नहीं मिले।